हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे माधव प्रवास। आशा करता हूँ आप सब ठीक रहेंगे। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही नेचर के वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, अच्छे अच्छे स्पॉट, अच्छे अच्छे मोमेंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ जो आप इंजॉय करते रहते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, आज मानसून डे से आजकल चल रहे लॉकडाउन भी है और बारिश भी बहुत तेजी से चल रही, तो आज मैं मानसून डेज के कुछ अलग अलग आपको नजारे दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, ये इसमें आप देखिए क्या कलर दिख रहा है। ये सब नेचुरल कलर है दोस्तों, व्हाइट एंड रेड कलर का आपको दिख रहा है। ये बहुत ही शोपीस है, सिटी में बगीचे में ये रहते हैं, लेकिन हमारे दोस्तों गाँव में ये ऐसे नेचुरली उगते हैं बारिश में और दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। दोस्तों, हमारे लोकल भाषा में इसको वलू बोलते हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके भाषा में, आपके प्रांत में इसको क्या बोलते हैं, तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। बहुत ही सुंदर और बहुत ही दिलचस्प दिख रहे हैं दोस्तों। ऐसा लग रहा है किसी ने, बच्चे ने इस पे कलर छेड़ दिए, कलर डाल दिए है। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, मुझे बहुत पसंद है दोस्तों ऐसे नेचर के जैसे कुछ मूवमेंट सीखने के लिए। ये दोस्तों क्या है, ये पौधा दोस्तों एक सब्जी का है जिसका नाम है सुरन, जो हम मार्केट से लेते हैं सुरन, उसकी सब्जी खाते हैं, उसका ये पौधा है दोस्तों। इसके नीचे रहता है वो सुरन, मतलब बारिश जब चली जाती है या जब समर आता है दोस्तों, तब ये सुरन निकाल के हम लोग सब्जी बना के खाते हैं। इसके जो पत्ते हैं उसकी भी सब्जी बनाते हैं हम लोग दोस्तों। सुरन का पौधा है, शायद किसी ने देखा होगा क्योंकि सिटी में तो ये देखने नहीं मिलता। सूरज जो सब्जी आप खाते हो उसका पौधा है दोस्तों। छोटा ही वीडियो है, 3-4 मिनट का। ये नज़ारे देखिए, ये टीकूड दोस्तों, टीकूड के जो पेड़ रहते हैं जो आप फर्नीचर के लिए बहुत ही बेहतरीन लकड़ी जिसको माना जाता है दोस्तों, वो है टीकूड। टीकूड का फर्नीचर बहुत ही महंगा और अच्छा और टिकाऊ होता है। तो आप किसी ने अगर देखा नहीं होगा टीकूड के पेड़, तो आप देख लीजिए दोस्तों। ये नज़ारे आप 100% इंजॉय करते रहेंगे। दोस्तों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिल्कुल फ्री है। मैं ऐसे ही छोटे छोटे मोमेंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, एक फूल है जो बारिश में उगता है, इसको जंगली फूल कहा जाता है। मुझे बहुत ही पसंद है ये, बिकॉज रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है इसका। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया है दोस्तों। और एक ये सेकेंड लास्ट ऑफ नज़ारा है, बहुत ही रेयर है हमारे गांव में ये फूल्स, बारिश में उगते हैं। लेकिन इसमें एक आपको एक अच्छी मतलब अलग बात मैं बताने वाला हूँ। ये जो फूल दिख रहे हैं आपको, इसको हम मुर्गा फूल बोलते हैं। अभी मुर्गा फूल क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये फूल मुर्गे की तरह दिखते हैं, इसका जो आकार है मुर्गे की तरह दिखता है, बारिश में होते आते हैं, उगते हैं और बहुत ही सुंदर दिखते हैं इसका नज़ारा। तो आपको मैं दिखाता हूँ ये मुर्गे की तरह कैसे दिखते हैं, देख लीजिए। ये मैंने थोड़ा उल्टा पकड़ा है दोस्तों। आशा करता हूँ आप इंजॉय करते रहेंगे मेरे चैनल को, इस वीडियो को। तो ये देखिए दोस्तों, ये दिख रहा है मुर्गे की तरह। आपको भी इसमें कुछ मुर्गे की तरह परफेक्ट दिख रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके गांव में अगर ये है या आपके प्रांत में है तो ज़रूर लिखिए इसको क्या बोलते हैं। हमारे इधर तो इसको मुर्गा फूल बोलते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचे और आप मेरे साथ ऐसे मोमेंट्स इंजॉय करते रहे। ये दोस्तों पेड़ मैंने लगाए थे बारिश के पहले, लेकिन आज ये बहुत ही बड़े हुए हो गए। बहुत ही सेटिस्फेक्शन होता है दोस्तों जब हम पौधे लगा के वो बड़े होते हैं। ये अभी थोड़े बड़े हो गए, इसको मैं हर रोज सीखता हूँ। और दोस्तों, जाने से पहले एक और मोमेंट, जो दुर्वा होती है, गणपति फेस्टिवल चल रहा है अभी, ये दुर्वा है, ये दुर्वा भी हमारे गांव में उगती है, हर एक गांव में उगती होगी महाराष्ट्र में, लेकिन ये मुझे बहुत ही पसंद है, दुर्वा को मैं बहुत ही पसंद करता हूँ। तो दोस्तों, आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।